दोस्तों इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला YouTube के बारे में, YouTube टैग के बारे में, YouTube टैग होता क्या है, इससे आपको क्या फायदे होंगे, इसी के बारे में आपसे बात करने वाला। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो YouTube टैग को पहले समझते हैं। YouTube टैग कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आप वीडियो बनाते हैं किसी भी नींबू पे, कि नींबू से कौन कौन से शरबत हम बना सकते हैं, कैसे चीनी मिलाएंगे, कैसे नमक मिलाएंगे, कितना नमक मिलाएंगे, उस पर आपने वीडियो बनाया और वीडियो अपलोड कर दिया और उसके टैग में लिख दिया ऑमलेट, मैंगो, कुछ भी लिख दिया, तो ये तो भाई कुछ बात नहीं हुआ, मतलब नींबू से यह मैच नहीं कर रहा है। फिर एक और बात मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हाउ टू कंटिन्यू व्यू या हाउ टू मोर व्यूज, इस पर आप वीडियो बनाया आपने और टैग में लगा दिया ऑमलेट लगा दिया या फिर म्यूजिक लगा दिया, टैग में लिख दिया, तो ये टैग फालतू हो गया, क्योंकि उसके अनुसार यानी टाइटल के अनुसार यह टैग सुटेबल नहीं है। तो जैसे अगर आप वीडियो बना रहे हैं म्यूजिक पे, तो आपको टैग में म्यूजिक ही लिखना होगा, या फिर जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ उसी टॉपिक पे आपको टैग लगाना होगा। कम से कम 5-6 टैग लगाना पड़ता है, और सबसे पहला नंबर टाइटल, और उसके बाद टाइटल तो आपको लिखना ही होगा। जैसे मान लीजिए हाउ टू गेट मोर व्यूज पे आपने वीडियो बनाया कि व्यूज कैसे लाए यूट्यूब में, उस पर आपने वीडियो बनाया, तो टाइटल को पहले लिखना होगा, उसके बाद टाइटल तो आप लिख लोगे, और डिस्क्रिप्शन में अगर आप टाइटल के अनुसार कुछ भी अगर सही से नहीं लिख पाते हो, तो उस कारण से भी आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। तो डिस्क्रिप्शन में भी कम से कम 30-40 टैग तो ज़रूर लगाइए। टैग नहीं, उसमें टैग का मतलब कॉमा लगा देंगे तो वह टैग हो जाएगा, वो टैग में ही लगाएंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वर्ड्स को आपको लिखना होगा। किस तरह से आपको करना है स्क्रीन पर ले जाऊँगा तो आपको पता चलेगा। और डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद फिर टैग, तो टैग में कॉमा लगा देने के बाद वह टैग बन जाता है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे ले चलते हैं किस तरह से आप टैग लगा करके अपने YouTube वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए पहले यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि YouTube टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब क्या है। तो सबसे पहले आपको आ जाना होगा YT स्टूडियो, YouTube स्टूडियो, ये एक ऐप होता है, इस पर मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा पूरे YouTube चैनल यानी कि किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, उस पर मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो देखते हैं ये ओपन होती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेट थोड़ी सी स्लो है। तो दोस्तों यहाँ पे यह ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे, आप किसी भी YouTube स्टूडियो या फिर Google Chrome यानी कि जहाँ से आप वीडियो को अपलोड करते हो उससे भी आप ये टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन को लगा सकते हो। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे देखते हैं, किसी भी एक वीडियो में आपको ले चलता हूँ, जैसे इस वीडियो में मैं ही ले चलता हूँ, जैसे यहाँ पे संकट मोचन महाबली हनुमान, इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टाइटल संकट मोचन महाबली हनुमान वन मोर चांस व्यूअर्स, यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर आप चलिए टैप करते हैं, पूरी कहानी आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है टाइटल है, इस टाइटल में आप देख सकते हो, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ हमने लिखा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा डिस्क्रिप्शन, देख सकते हो यहाँ पे आप कितना ज़्यादा हमने यहाँ पे लिखा। तो इसे आपको कैसे करना है, इतना ज़्यादा तो आप लिख नहीं सकते हो, टाइप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा, कम से कम करीबन 50+ ही होंगे या। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कुछ, मतलब कुछ लिख लीजिए, उसके बाद कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो कैसे कॉपी और पेस्ट करना है वो सब भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब चीज़ पेस्ट कर देना है, तभी आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में आएगी, और यहाँ पे अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो कुछ भी लिंक हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड टैग्स, यहाँ पे जैसे संकट मोचन महाबली हनुमान, यहाँ पे मैंने दो ही टैग लगा के रखा, तो यहाँ से आप टैग लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं संकट मोचन, इतना करके आप ये जो कॉमा है कॉमा दे सकते हो, कॉमा देने के बाद यहाँ से सेव कर दीजिए और आपका टैग लग चुका है। तो यहाँ से आपको बैक हो जाना है, तो इस तरह से आप टैग लगा सकते हो। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है यूट्यूब टैग, यहाँ पे मैंने फर्स्ट में ही सर्च करके रखा है, यहाँ पे आपको यूट्यूब टैग लिखना है।
तो यहाँ से ये ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज को ओपन करना है यूट्यूब कीवर्ड, एंड इसे ओपन हो जाने के बाद किसी भी चीज़ को आप सर्च मार सकते हो, या फिर जिस भी मतलब कीवर्ड पे आपको बहुत सारे डिस्क्रिप्शन चाहिए तो उस पर आप सर्च मार सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ये ओपन हो चुकी है तो यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जिस भी टॉपिक पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स चाहिए तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब, तो यहाँ पे यूट्यूब सर्च करके कुछ भी चीज़ का सर्च कीजिए आप, बहुत सारी कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। यूट्यूब लिख के मैंने सर्च किया तो यहाँ से आप देख सकते हो, ओपन होने में इसे थोड़ी सी टाइम लगेगी क्योंकि मेरे यहाँ नेट थोड़ी सी, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे इस तरह से यूट्यूब, यानी कि यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, सभी को सिलेक्ट लिए जितना आपका मतलब आप जो चाहो उसे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको सभी को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर जो कुछ भी हो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, और कॉपी कर लेने के बाद डायरेक्ट से यहाँ पे आ जाइए आप अपने YT स्टूडियो में, और किसी भी जैसे मान लीजिए ये जैसे ये फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था 51 यानी कि 51,000 वॉच टाइम पे, एंड यहाँ से आपको आ जाना है वापस से। अगर आप चाहते हो कि डिस्क्रिप्शन में इसे डालें तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया वॉच टाइम, यहाँ पे तो कुछ हो चुका है, एंड यहीं से आपको क्या करना है पेस्ट कर देना है। जैसे इसमें तो मैंने किया था, फिर भी पेस्ट यहाँ पे कर देते हैं। देख सकते हैं ये जो यूट्यूब स्टार इज बोर्न, यहाँ पे कुछ बहुत सारे कुछ कंडीशंस आ चुके हैं, तो यही सब चीज़ के कारण इसी के कारण हमारी वीडियो सजेस्टेड में आ जाती है, और यहाँ से आपको सेव कर देना है। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट गूगल क्रोम से भी तो वहाँ पे भी यही सब काम कर सकते हो बिल्कुल। तो मिलेंगे एक और फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, यूट्यूब में आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में आ सकती है, इस तरह से काम कीजिए, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स को मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं।